तो आज मम्मी एक न्यू डिश बना रही है, इसमें सुशी में मिक्स कर इसके चाय बन चुकी है और दीदी यहाँ फुल आइस ले रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गर्वपंड पर। दोस्तों चलिए एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। और आज का ब्लॉग यानी कि दो तीन दिन के गैपिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। आजकल ब्लॉगिंग में डेली अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यार दीदी आई हुई है तो दीदी के साथ इतनी मस्ती कर ले रही कि ब्लॉग बनाना मैं भूल ही जा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि आप लोग तक भी एक रहना चाहिए, इसलिए मैं दो तीन दिन की गैपिंग में आजकल ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ और मेरा बड़ा वाला जो भांजा है वो उठ चुका है। वो भी इसलिए उठा हुआ है कि वो मेरे भाई की टैब में जो है वो गेम खेलता है। कौन सा गेम खेलते हो? ग्रैनी गेम खेलते हैं ये लोग। पता नहीं ग्रैनी क्या होता है, मैंने देखा भी नहीं है और मुझे गेम में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ भी नहीं मैं। तो ये एक भूत वाला गेम है जिसमें भूत आता है, फिर उनको पता नहीं क्या क्या करना होता है, मतलब हल्का फुल्का पबजी से रिलेटेड है। वो सुबह उठ जाते हैं, जैसे मैं उठता हूँ 6 बजे तो भाई का टैब चार्ज लगा लेता है, उसके बाद थोड़ा चार्ज होने के बाद वो उठ जाता है, उसके बाद से वो ग्रैनी खेलना शुरू कर देता है। तो बस अब भाई भी जाने वाला है नहाने के लिए, भाई भी उठ चुका है तो अब भाई नहाएगा फटाफट से। आते हैं। हाँ मेरे बंदर आए हैं बहुत सारे। तो बाहर से मम्मी की आवाज़ आ चुकी है कि बाहर ज़्यादा बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए, तो चलिए आप लोग को छत पर भी लेके चलते हैं, वहीं से बंदरों की पहरेदारी भी करेंगे और आपको आज का मौसम भी दिखा देंगे कि धूरी है यहाँ पे कपड़े। और यहीं से आवाज़ लगाई है मम्मी ने कि छत पे जाओ, वहाँ पे बंदर आए हुए हैं। तो बढ़िया सी धूप निकल चुकी है आज, आजकल वैसे धूप आई रही है डेली, बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए हैं इस साइड पर। देख सकते हैं दोस्तों कितने ज़्यादा बंदर सुबह सुबह ही आ चुके हैं यहाँ पर। अभी उधर से पूरी टीम आ रही है तो देख सकते हैं पूरे खेतों में चारों तरफ फैले हुए हैं ये। तो हमारे जिम्मी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से बंदरों को भगाए, बट बंदर फिर भी बहुत चालाक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि अभी कुत्ता बंधा हुआ है तो ये क्या ही कर लेगा। तो चलिए पहले आप लोग को आज का मौसम भी दिखा दूँ मैं। मौसम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बिल्कुल एकदम धूप खिली हुई है द्वाराहाट में। आज बिल्कुल भी बादल है नहीं, क्योंकि बादल होंगे कैसे, बारिश आ नहीं रही है। तो मौसम फिलहाल सही है, धूप मिल रही है, बट ठंड जो है ना वो बढ़ चुकी है सुबह शाम की, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। दिन में बढ़िया सी धूप आ रही है। तो फिलहाल भगा लेते हैं बंदर। और मैंने अभी नहाने के बाद चाय भी नहीं पी है क्योंकि मम्मी कपड़े धो रही है बाहर से, तो मम्मी ने चाय बनाई हुई है बट हमें गिलास में दी हुई नहीं है। तो जैसे ही मम्मी के कपड़े धुलेंगे तो वैसे ही हमारे लिए भी चाय बन जाएगी और फिर चाय पीने ही चलेंगे नीचे। के अंदर कपड़े धोने के बाद मम्मी की देख सकते हैं चाय बन चुकी है और दीदी यहाँ फुल ऐस ले रही है, यानी कि ससुराल में जो 5 बजे उठ जाती थी यहाँ बेचारी 11 बजे आराम से उठी, उसके बाद भी मम्मी हाथों पे चाय दे रही है। तो नहाने की बात की, मेरी भी फर्स्ट चाय आ चुकी है यहाँ पे, चलिए पी लेते हैं अपनी फर्स्ट सिप यहाँ पे लेते हैं आप लोग। फर्स्ट चाय भी इतनी लेट मिल रही थी नहाने के बाद, उसके बाद भी ये चाय मेरी नहीं है। जैसे ही फर्स्ट सिप लेने वाला था ये भी मम्मी ने टोक दिया कि ये चाय उसकी नहीं है, बड़ी ग्लास में। ओ तो मेरे लिए स्पेशल गिलास आया है, तो ये चाहिए भाई की, तो मेरे लिए स्पेशल। देख सकते हैं आप मेरे एज के अकॉर्डिंग, यानी कि भाई छोटा है तो उसके लिए छोटे गिलास पर और मेरे लिए बड़े गिलास पर, और दीदी के लिए भी छोटे गिलास पर ही आई है शायद। तो चलिए आप फटाफट से पीते हैं चाय, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है नहाने के बाद। मम्मी धो रही थी कपड़े, इस वजह से चाय मिली नहीं हमें, तो अब चाय मिल चुकी है तो फटाफट चाय का आनंद लेते हैं गर्मा गर्म। तो पी ली है चाय और घुस चुके हैं किचन के अंदर, जहाँ पे आपको कुकर एंड कढ़ाई का जो कॉम्बो हमेशा मिलता है वो दिख चुका होगा। और तो मम्मी अभी हमारे लिए यहाँ पे कट्टे रेडी कर रही है, यानी कि कट्टों को देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कुछ ना कुछ हमें सामान लेके आना है। तो आया हुआ है हमारे कंट्रोल का राशन, तो हमें जाना पड़ेगा अभी कंट्रोल का राशन लेने की। जहाँ पर हमारा कंट्रोल है तो वो चचा की साइबर कैफे भी है, तो चचा ने डिसाइड किया है कि 2 डेज आप लोग को मिलेंगे, यानी सैटरडे एंड संडे 2 डेज में हम वहाँ पर से अपना राशन लेके आ सकते हैं। बाकी दिनों में हमें राशन मिलना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि चचा के पास काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए 2 दिन यहाँ पे डिसाइड करे हुए हैं, शनिवार और संडे को हमें वो राशन आराम से दे सकते हैं, यानी कि हम सुबह से शाम तक का वहाँ पे से राशन लेके आ सकते हैं। तो मम्मी ने अभी मॉर्निंग पे ही हमें भेज दिया है मार्केट, क्योंकि फिर शाम तक का हम भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे आए हुए, दीदी आई हुई, फुल मस्ती करते करते हमें याद नहीं रहता है, वरना कल शनिवार था कल भी हमें याद नहीं रहा। तो मम्मी ने आज संडे की सुबह सुबह ही हमें याद दिला दिया कि राशन लेने जाओ। तो कट्टे हो चुके हैं हमारे यहाँ पे रेडी, क्या कर सकते हैं, जब मम्मी भेजती है तो लाना ही पड़ता है, अब हमें लाना पड़ेगा इन कट्टों में राशन बाजार से गेहूँ और चावल। तो चलिए राशन लेके आते हैं फटाफट, हमारे राशन लाने तक अंदर का खाना बन भी जाएगा, तो फिर मिलते हैं आपको डायरेक्टली खाते टाइम। तो दोस्तों राशन लेके घर पहुँच चुके हैं, तो मम्मी अब राशन चेक करने लग चुकी है। देख सकते हैं आप मम्मी वहाँ पे गेहूँ और चावल को ऐसे हाथों पे लेके चेक करिए कि कैसा चावल और गेहूँ आए हैं,
और दीदी उठने के बाद नहा धो के रेडी हो चुकी है, तो देख सकते हैं दीदी ने अपने लिए एक रोटी पकड़ ली है। दीदी कुछ बोलना चाह रही थी जब मैंने ऐसा कुछ बोला, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए दीदी। हाँ दीदी ने बोला कि मुझे भूख लग गई है तो मैं तो खाऊंगी। और अभी हमारा चावल और जो दाल है वो बन के रेडी हो चुकी है, तो आज उसके साथ बनी हुई है टपकी, यानी कि किसकी बनी हुई है, बंद गोभी और आलू की। तो दीदी ने रोटी के साथ जो है सब्जी ले ली है, तो चलिए आप फटाफट से खाना भी सर्व कर देती है मम्मी, फिर दिखाते हैं आपको आज क्या बनाया खाने में। तो लग चुका है गर्मा गर्म खाना, देख सकते हैं खाने में आलू टमाटर बना हुआ है और बंद गोभी की सब्जी है, चावल है और यहाँ पे साथ में रोटी भी है, क्योंकि आजकल सबकी तबीयत जो है वो हल्की डाउन चलती है, यानी कि सर्दी जुकाम खांसी हर किसी को लगा है, तो एक एक रोटियाँ दो दो रोटियाँ सबसे पहले यहाँ पे खानी पड़ती है, उसके बाद ही चावल जो है वो खाते हैं। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म अपना खाना खाते हैं, बच्चों ने तो खाना स्टार्ट भी कर ही दिया है मजे से। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, तो मम्मी जा चुकी है बर्तन धोने के लिए बाहर, और अंदर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, देख सकते हैं सब फैला फैला दिखा हुआ है, कुशन कहीं पड़े हुए, पिलो कहीं पड़े हुए हैं, और उस साइड की हालत दिखाऊं तो उस साइड पे देख सकते हैं आप जो क्विल्ट है वो ऐसी बिस्तर के ऊपर ही फैली हुई है। दीदी बाहर जा चुकी है धूप में बैठने के लिए, किसी को भी सुध-बुध नहीं है काम करने की, तो फटाफट से यार अंदर पहले ठीक ठाक करते हैं, उसके बाद हम भी चलेंगे धूप में बैठने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर की हालत भी सुधार रहे हूँ, और सारे क्विल्ट एंड ब्लैंकेट जो है वो मैंने धूप में डाल दिए हैं और बिछा दिया है गद्दा, अब यहाँ पर आराम से धूप में बैठते हैं थोड़ा देर के, मतलब जब तक धूप है यहाँ पे हमारे सामने से हवा भी चलती रहती है, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं हमारे यहाँ पर बैठने का, बट जितनी भी है धूप ले लेते हैं आराम से। ये गद्दा भी इन लोगों ने यहाँ पे भिगा दिया था, तो ये गद्दा भी आराम से सूखते रहेगा और हम भी बढ़िया सी धूप लेंगे। तो दोस्तों आज छत में आप लोग को अभी तक मैं ही अकेला दिख रहा, यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे गद्दा बिछाए हुए, और मैंने धूप जो है वो जितनी लेनी थी मैंने ले भी ली, बट फिर भी मम्मी और दीदी जो है ऊपर नहीं आई, क्योंकि आज ना बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी जैसे ही मैं थोड़ा देर बैठा, बट धूप भी है और हवा भी है, तो दीदी और मम्मी ने तो नीचे ही वहाँ पे चेयर लगा के आराम से बैठे हुए, दीदी को आप नीचे ऐसे बैठे हुए हैं दोनों जने नीचे और मैं ऊपर धूप में आराम से बैठा वहाँ पे। चलिए धूप भी अब मैंने ले ही ली है और हमारा गद्दा भी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो ये गद्दे को नीचे डाल देते हैं दोनों जनों की। देख सकते हैं सर एकदम डाउन हो चुके और पूरा फोकस जो है फ़ोन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं तो वहाँ पर चल रहा है ब्लॉग, काफ़ी ज़्यादा फोकस दोनों का उस फ़ोन के अंदर है, तो हम तो बढ़िया सी धूप ले रहे हैं। हम भी इंस्टाग्राम की रील्स चेक कर रहे हैं किस किस ने अभी रील्स अभी पोस्ट की है न्यू, तो नाक से तो मेरा भी बुरा हाल है दोस्तों, बिल्कुल बंद हो चुकी है नाक, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर किसी को, तभी आज हमने चावल से पहले रोटियाँ खाई थी। वो दोस्तों बच चुके हैं चार, यानी कि एक टाइम की चाय इनकी हो चुकी है बीच में, और फिर से मम्मी को आज पेट में भूख लग चुकी है, अदरवाइज मम्मी ऐसे भूख लगती नहीं है मम्मी को कभी भी, तो आज मम्मी एक न्यू डिश बना रही है, यानी कि हमारे पे चावल थोड़ा बचे हुए थे, देख सकते हैं आप मम्मी के हाथ में वहाँ पे जो परात में उसने लौटाए हैं वो हमारे दिन के चावल बचे हुए हैं, और एक वो बड़े टिफिन में उसने वहाँ पे आलू उबाल के एक पहले से रखे हुए थे, यानी कि हमने मॉर्निंग पे वो आलू और वो बनाया था ना टमाटर, तो उसके आलू जो बॉयल थे वो थोड़ा बच गए थे। तो मम्मी अब क्या डिश बना रही है वो मुझे भी नहीं पता है, मैंने आज तक ऐसी डिश देखी नहीं मिक्स करके, क्या बन रहे हैं मम्मी? मम्मी की हंसी भी आप लोग देख सकते हैं, मम्मी कुछ भी बना लेगी, यानी कि वो मिक्स करके कुछ भी एडजस्ट कर लेती है, तो देखते हैं ये डिश क्या होती है, आखिर आप लोग को क्या दिखता है इस डिश में हमारा स्पेशल। मम्मी ने आलू उस पर मैश करने शुरू कर दिए हैं और चावल आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा, और उसमें मम्मी ने पहले से ही वहाँ पे मसाले फिट कर दिए थे, तो मतलब तेरा मोटिव क्या है इसको पकौड़ी टाइप बनाने का है? हाँ तो मैं समझ गया था, क्योंकि मम्मी आलू का पेस्ट ले रही है तो इसकी लास्ट में पकौड़ी ही बनेगी, तो देखते हैं कैसी पकौड़ी आज इसकी मिक्स करके बनती है। मम्मी अब इसमें सूजी में मिक्स कर दी, वो पेस्ट रेडी हो गया, यानी कि मम्मी ने जो सूजी मंगाई थी वो उसमें मैश करने के लिए नहीं मंगाई थी, मम्मी ऐसे इसको एक टिक्की का शेप देके उसके बाहर से सूजी लगा दी है। ओहो मुझे लगा कि मम्मी इसमें सूजी भी मिक्स कर देगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मम्मी सूजी उसके बाहर से लगा रही है, यानी कि वो अच्छा लगे और टिक्की टाइप दिखे, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट दिखता है आज।
तेल हो चुका है दोस्तों गरम, और मम्मी की यहाँ पे मतलब अब पकौड़ियाँ जो हम इनको पकौड़ियाँ ही बोलेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो चलिए इनको ट्राई करते हैं और तेल में तलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे रिजल्ट दिखता है तेल में तलने के बाद। तो हमने यहाँ पे एक एक करके इनको डालना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं 5 या 6, तो देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा निकलता है। हमारा फर्स्ट टाइम का जो पकौड़ी है वो निकल चुका है, तो देख सकते हैं ये आ गया है पीछे से मांगने। गरम हो रहे हैं, पकड़ के आराम से खाना, ठीक है, अंदर गरम हो रहा है ना, इनके अंदर से गरम हो रहा है, ठीक है नहीं। तो चलिए हमने इनको दे दिया क्योंकि कुछ भी फर्स्ट चीज बनती है तो हम इन्हें टेस्ट कराते हैं और ये हमें टेस्ट करके फीडबैक देते हैं कि कैसा बन रहा है। देखते हैं दोनों जने यहाँ पे खाने लग चुके हैं, तो कैसा हो रहा है शिवम और हनी, जल्दी बताओ। अच्छा, कैसा हो रहा है शिवम? फीडबैक तो आ चुके हैं, मस्त हो रहे। तो चलिए बन चुका है तो एक मैं भी ट्राई करता हूँ कैसा हो रहा है, उसके बाद आपको अपना फीडबैक देता हूँ। लिटरली बहुत टेस्टी हो रहे हैं, वेरी नाइस। नमक थोड़ा तेज हो गया, टिक्की का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा चावल है वो थोड़ा यूनिक टेस्ट लेके आ रहे हैं, वैसे बहुत टेस्टी। दीदी ने बोला था मैं तो नहीं खाऊंगी, देखते हैं दीदी खाती नहीं खाती है। सेम टिक्की हो रही है क्योंकि आलू की टिक्की बनती है आप लोग को पता ही है, थोड़ा उसमें चावल एक्स्ट्रा पड़े और कुछ नहीं है। मैंने एक और खा दिया, इसको देते हैं भाई को। वो दोस्तों बन चुके हैं हमारे पूरे पकौड़ी और साथ में मम्मी ने रख दी है अब गर्मा गर्म चाय, तो अब जो असली टेस्ट आएगा ना इनका इसी के साथ आएगा। तो चलिए आप फटाफट सर्व होती है और फिर दिखाते हैं आपको अपनी पकौड़ी और चाय। जल्दी पकौड़ी, ये हर चीज़ में आपने देखा होगा कभी पीछे नहीं होता है बंदा। ये बाहर बच्चों को बांट के आ चुके हैं उनके हिस्से के, यानी कि बंटवारा हो चुका है इनका, और ये हम अपने लिए लेके आए हैं, साथ में चाय भी है देख सकते हैं। तो फटाफट से गर्मा गर्म इनका आनंद लेते हैं, लिया है सभी ने देख सकते हैं। फिर से सबके जो सर हैं वो नीचे डाउन हो चुके हैं मोबाइल की तरफ को कर देते हैं यहीं पे एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।